नमस्कार दोस्तों, दामू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम जल्दी बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी। एकदम आसान है, कोई भी इसे बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी पहले में, और फिर मैं जैसा बताऊं वैसा करना पड़ेगा। तो तैयारी क्या करनी है, आपको ढेर सारे आलू जो है वो काट के रख लेने हैं, छील के काट के उनको पानी में रख लो। पानी में नहीं रखोगे तो आलू काले पड़ जाएंगे, आपकी मम्मी ने बताया ही होगा। फिर हमने 2 से 3 प्याज जो है उसमें हल्का सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना ली है, उसको हमने साइड में रख लिया। ऐसा ही हमने कुछ टमाटर के साथ किया था, 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर थे, उनको हमने काट के थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना ली। और थोड़ी सी है शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च जिसको छोटा छोटा काट के साइड में रख लिया। अब हमने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डालने के बाद इसमें हम सारी चीजें ऐड कर लेंगे, राइट। तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें। तेल डाल दिया, इसमें हमने सबसे पहले डाली है प्याज की पेस्ट, उसको थोड़ा सा हमें भूनना है 2.5 से 3 मिनट तक, जब तक प्याज लाल ना हो जाए, गर्म आंच पे आप भून सकते हैं। तो ये तैयारी जो हमने की थी ना, अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया है और उसको भी हम चला लेंगे। तो टमाटर आप जैसे ही डालते हैं, आपको नमक तो डालना ही है और हल्दी भी डाल लो। तो हम नमक 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, और हल्दी 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने बताया था कि हमने जो तैयारी की थी प्याज काटने की, प्याज को पेस्ट बनाने की, टमाटर की पेस्ट बनाने की, आलू काटने की, शिमला मिर्ची काटने की, इस पूरी तैयारी में हमें मैक्सिमम 12 से 13-14 मिनट लगे थे। और कुकिंग का जो टाइम है, अभी जो प्रोसेस है, इसमें हार्डली हमें 7 से 8 मिनट लग रहे हैं। इसमें हमने जब टमाटर को थोड़ा सा पका लिया है, उसके बाद हमने शिमला मिर्ची ऐड कर ली। शिमला मिर्ची को ऐड करने के 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद हमने इसमें आलू ऐड कर लिए, और आलू ऐड करते ही 30 या 40 सेकंड में आप इसका कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो ये अभी हमारा टोटल टाइम हुआ 22 से 23 मिनट, जिसमें कुछ तैयारी और इसको कुकर में डालने तक का टाइम, इसका हमने ढक्कन लगा लिया। अब देखिए, यकीन मानिए, अगले 10 से 15 मिनट में आपको इसकी 6 से 7 सीटी लेनी है। भैया सबको गलाना ही तो है, तो 6 से 7 सीटी देके आप कुकर में गला लो। तो ये गल चुके हैं, अब आप इसको चम्मच से छेड़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो आप इसको चम्मच से छेड़ रहे हो और इसको पूरा गला लो। तो हमने 23 से 24 मिनट टोटल लगा था, उसके बाद हमने प्रेशर कुक किया है, उसको कुकर को ठंडा किया और फिर इसको घोट लिया। बस आपका पाव भाजी का सारी भाजी जो है रेडी है। अब आपको छौंका तैयार करना है। तो लहसुन हमने बारीक काट लिए हैं, उसमें 3 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिए, और कुछ पानी ऐड करके इसकी चटनी टाइप की बना लेंगे हम, जो एकदम रेड चटनी होगी, यही पाव भाजी को कलर देगा हल्का सा लाल। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और ढेर सारा बटर डाला है। बटर डायरेक्ट क्यों नहीं डाला है, पतीले में अगर बटर डायरेक्ट डालोगे तो वो जल जाएगा, और जल गया तो पूरी पाव भाजी का स्वाद सत्यानाश हो जाएगा, वैसा आपको करना नहीं है। तो अब इसमें हमने लहसुन वाली जो पेस्ट थी, मिर्ची मिलाई हुई, वो डाल दी और उसको मिक्स कर लिया। तो अब लहसुन भी नहीं जलेगा, मिर्ची भी नहीं जलेगी, बटर भी नहीं जलेगा, और अच्छी सी एक लाल रंग की तरी तैयार हो जाएगी। ये जब बॉयल होने लगे तो सारी भाजी जो बॉयल की हुई थी इसमें डाल दो, पूरी उड़ेल दो, उड़ेल के मिक्स कर दो, आपकी पाव भाजी लगभग तैयार है बॉस। अब आप सोच रहे हैं कि यार अभी तो सब्जी जैसे रंग आ रहा है, भाजी नहीं दिख रही है, ठेले वाली जो हम खाते हैं ठेले पे, थोड़ी सी ब्राउनिश होती है। तो भैया हमने पाव भाजी मसाला अभी थोड़ी मिलाया नहीं है, वो अब हम मिलाएंगे। तो हमने कम से कम 4 से 5 चम्मच जो है पाव भाजी मसाला ऐड किया है, क्योंकि ये 10 लोगों की पाव भाजी बन रही है। तो ये हमने ऐड करते, देखिए आप धीरे धीरे ये पाव भाजी वाला जो भाजी वाला कलर है वो आने लग गया, एकदम बॉम्बे स्टाइल का। तो भैया अब मैं बोल सकता हूँ कि आपकी भाजी है एकदम तैयार। इसको एक आध आप धीमी आंच पे उबाल दे दो, ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि आपने अभी मसाला ऐड किया है, इसलिए आप 1-2 मिनट आप इसको चला लो।
तो ये उबाल आ गया, आपकी भाजी हो गई रेडी। टोटल प्रोसेस बॉस 40 मिनट लगा है, तैयारी से लेके भाजी बनने तक 40 से 42 मिनट, 45 मिनट आपकी थोड़ी सब्जी काटने की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। इसको धनिया डाल के हमने सजा लिया है। अब हम पाव तैयार कर लेते हैं। तो हमने बटर ऐड किया है, बटर ऐड करके उस पर पाव डाल दो और पाव को आप अच्छे से सेक लो और गर्मा गर्म आप इसको सर्व करो। इसकी प्लेटिंग जब आप करेंगे तो इसमें भाजी होगी, पाव होंगे, प्याज होंगे, धनिया होगा, बटर होगा और नींबू होगा। तो ये सारी प्लेटिंग तैयार है ना, एकदम ठेले पर मिलने वाली बॉम्बे वाली पाव भाजी, वही फीलिंग। हाँ, इसमें हमने पसीना ऐड नहीं किया है लेकिन मेहनत ज़रूर ऐड की है। तो दामू की रसोई को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी आसान रेसिपी मिलती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।